हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज आपको फिर कुछ नया बनाना सिखाऊंगी। आज मैं कान्हा जी को झूला बनाना सिखाऊंगी आप लोगों को। ये कान्हा जी का झूला मैंने बहुत छोटा सा बनाया है, कुछ ही सामानों से बनाया है। और इस झूले को बनाने के लिए मुझे बहुत सी प्रॉब्लमों का भी सामना करना पड़ा। वो प्रॉब्लम क्या है वो आप लोगों को यहाँ वीडियो में बताती हूँ। तो पहले तो मैंने 1 मीटर की माइक्रोन की रस्सी ले ली। मेरे पास माइक्रोन की ज़्यादा रस्सियाँ नहीं थी, मेरे पास ज़्यादा सामान नहीं है इस टाइम पे, जब मैं माइक्रोन का झूला बना रही। ये जो झूला मैंने जन्माष्टमी से एक दिन पहले रात में बनाया था, क्योंकि मेरे कान्हा जी का झूला जो है ख़राब हो रहा है। इसमें अरे मुझे कान्हा जी का झूला बनाना था जन्माष्टमी पर, और मैंने रस्सी भी नहीं थी, तो मैंने किस तरह जुगाड़ करके झूला रात में बनाया है। तो पहले मैंने 1-1 मीटर की रस्सी काट ली, 6 रस्सी रेड कलर की ली है, 6 रस्सी सब वाइट कलर की ली है। उसके बाद 2 चूड़ी ले ली प्लास्टिक की, उन पर ये धागा जो है लपेट लिए। हाफ हम लोग एक साइड छोड़ के फिर उसको लपेटेंगे। रैपिंग जिस तरीके से करते हैं उस तरीके से सिंगल रैपिंग करेंगे, फिर डबल रैपिंग करेंगे, टाइट करके इसको जोड़ेंगे। एक साइड जोड़ने के बाद इसी तरीके से खींच के हम दूसरी साइड जोड़ेंगे। और जिस तरीके से मैंने सिंगल एक धागा जोड़ा उस तरीके से फिर मैं दूसरा धागा भी जोड़ दूंगी। आप हथेली भर का धागा छोड़कर और फिर रैप कर सकते हैं, फिर इसी तरीके से दूसरी साइड भी रैप कर सकते हैं। और इस तरीके से आप देख सकते हैं मैं 6 धागे रैप कर लिया। अब क्रॉस में हम सामने की साइड में व्हाइट कलर के धागे रैप करूंगी, जैसे मैंने रेड कलर के धागे रैप करके इसमें जोड़े हैं। अब एक ऊपर एक नीचे करके फिर दूसरी साइड धागे को निकाल दूंगी। एक धागा ऊपर एक धागा नीचे रखेंगे, एक धागा ऊपर रखेंगे एक धागा नीचे रखेंगे। जिस तरीके से हम खटिया पे या किसी चीज़ को बुनते हैं उस तरीके से करेंगे हम इसमें। सेम इसी तरीके से सारे धागे हम इसमें ज्वाइंट कर लेंगे। जब हम सारे धागे जोड़ लेंगे आप लोग देख सकते हैं इस तरीके से ये मेरी खाट के तरीके से ये बिन गए। अब हम सारे धागे एक साथ कर लेंगे। अब हम 4 सफ़ेद कलर के धागे लेंगे और स्क्वायर नट बनाएंगे। स्क्वायर नट बनाने के लिए राइट साइड से लूप बनाएंगे, लेफ्ट साइड का धागा उसमें डाल के निकाल लेंगे, फिर लेफ्ट साइड से लूप बनाएंगे, राइट साइड का धागा उसमें डाल के निकाल लेंगे। इसी तरीके से हम 4-4 धागे लेंगे और स्क्वायर नट बनाएंगे। स्क्वायर नॉट मैंने बहुत सारी वीडियो में बनाना सिखाया हुआ है आप लोगों को, तो वैसे मेरी वीडियो अगर रेगुलर आप लोग देखते आए होंगे तो आप लोग स्क्वायर नॉट बनाना बहुत आसानी से सीख भी गए होंगे। अभी तक नहीं सीखे तो इसको थोड़ा मैंने वैसे भी वीडियो में स्पीड नहीं लगा रखी, आप लोग स्क्वायर नॉट बनाना सही से सीख जाएंगे। स्क्वायर नॉट जो है हमारी 4 धागे से लगती है, एक साइड से लूप बनाते हैं, दूसरी साइड का धागा उसमें डाल के निकाल देते हैं, नीचे से करके धागा निकालते हैं डालते हैं। इस तरीके से मैंने स्क्वायर नट एक लाइन लगा के फिर एक लाइन मोती डाल के स्क्वायर नट लगाई है। और फिर मोती डाल के फिर स्क्वायर नट इस तरीके से मैंने स्क्वायर नट लगाई। अब जो मैं 2 चूड़ी और ली थी उसको पे एक ही करके सारे धागे जो हैं रैप कर दूंगी। सारे धागे मैंने रैप कर लिए हैं, 4 धागे मैंने छोड़ के और सब धागे को मैंने कैंची की मदद से काट के लाइटिंग की मदद से मिक्सर चिपका दिया। खाली मैंने बीच बीच में 4 धागे लटकाने के लिए छोड़ दिए हैं। वो आप अपने हिसाब से जितने धागे लगाएं उस हिसाब से आप छोड़ सकते हैं।
अब मैंने दो धागे लिए हैं, एक बार एक साइड रैप किया, एक बार एक साइड रैप किया है, वो वाली नॉट लगा के ये 7 बार मैंने लगाई है। चारों में हम धागे वाले छोड़े हुए दो दो धागे, 4 अलग अलग दूर दूर पे, उसमें हम चारों में लगा लेंगे इस तरीके से नॉट 7 बार। तरीके से मैंने 7 बना के पॉइंट कर लिए हैं। फिर दो धागों को आपस में लिए, मतलब दो इधर वाले दो इधर वाले, उसको लेकर एक हम स्क्वायर नॉट लगाएंगे। अब ये मैं दो डंडियाँ, ये डंडियाँ जो मैंने मेरे पास, जो नॉर्मल डंडियाँ का यूज़ करते हैं जिसका, वो डंडियाँ मेरे पास नहीं है, आप डंडियाँ जो यूज़ होती है उसी डंडियों को लेकर इस तरीके से ये हम बनाएंगे। ये मैंने नॉर्मल पेड़ की डंडी लेकर उसको छोटे छोटे काटी, क्योंकि मेरे पास टाइम पर वो डंडियाँ नहीं है और मुझे घर तक झूला पूरा करना जन्माष्टमी के लेकर ना लेके हैं, तो उसको आपस में क्रॉस करके अच्छे से टाइट से हम रैप करते हुए बांधेंगे। जोड़ा ये मैंने पहले गार्ड से तोड़ लिया, फिर उसके बाद क्रॉस में रैप करते हुए ये मैंने जोड़ा है आपस में, फिर लास्ट में मैंने गार्ड लगा दिए। अब आधे में हम लोग पहले रेड धागा लपेट देंगे, उसके बाद ऊपर और नीचे दोनों साइड में सफ़ेद वाला धागा जो है वो रैप कर लेंगे, और लास्ट में लाइटर की मदद से जला के चिपका देंगे। इस तरीके से देख सकते हैं मैंने दोनों साइड लाल लाल जोड़ लिए, फिर सफ़ेद वाला धागा नीचे की साइड रैप कर दिया। फिर धागा जहाँ धागा हम ऐड करते हैं वहीं से सफ़ेद वाला धागा हम चिपका देंगे इसमें, और फिर रैप करके जोड़ देंगे सफ़ेद धागा इसी के अंदर हमारी डंडी बची हुई है। ये इस तरीके से मैंने जोड़ लिया सफ़ेद धागे पर डंडी जोड़ ली, और इस तरीके से एक और मैंने स्टैंड तैयार, जिस तरीके से वो तैयार किया था, अब इसको हम इस डंडी के अंदर छोड़ेंगे। पहले जो मेरी ऊपर वाली डंडी उसमें हम गांट लगा के इसमें कर लेंगे, फिर उसके ऊपर रख के जो स्टैंड है हमारा उसके ऊपर रख कर फिर नीचे की साइड से फिर टाइट जोड़ेंगे। जैसे तीनों तरीके से हम क्रॉस करके इसको फिर छोड़ देंगे। टाइट जोड़ना है, ढीला जोड़ेंगे तो इसके लिए खुल जाएगा, खींच के हमें टाइट करके ही इसमें जॉइंट कर लेना। इसी तरीके से मैंने दूसरी साइड भी जॉइंट किया था, अभी जुड़ गया आप देख सकते हैं। बाकी में जो है सफ़ेद हम धागा लास्ट में लपेट देंगे पूरे में। अब ये मैंने इस तरीके से ये स्टैंड तैयार कर लिया, इस पर हम लोग झूला टांगेंगे। ये मैंने बीच में घर पर दोनों तरफ एक मोती डाल के स्क्वायर नॉट लगा दिया। अब इसे हम इसके अंदर टांगेंगे, टांगेंगे भी हम रैप घुमा के रैप करके रस्सी को चिपका देंगे। उसके बाद जितना भी बाकी हमारा बचा हुआ है उस पर हम लाल कलर की जो रस्सी है उसे चिपका देंगे रैप करते हुए पूरे में। ये इस तरीके से ये रैपिंग करते हुए डंडी में तैयार कर ली। ये हमारा झूला भी लटक गया, इसके बीच में झूला जलाने के लिए कान्हा जी के लिए वो लटकाएंगे। अब बीच में से मैंने दो धागा ले लिया रेड और वाइट कलर का, उसको जोड़ के आपस में उसको उसमें डाल के जो वहाँ से मैंने मोती डाला है, अब इसमें एक बार वही जल्दी गांट, एक बार एक साइड ट्रैप करके, एक बार एक साइड ट्रैप करके 5-6 बार हम वो गांट बना लेंगे। आपको झूला जितना लंबा झूला झुलाना वाला बनाना है उतना लंबा आप बना सकते हैं, मैंने ज़्यादा छोटा ही बनाया, ज़्यादा लंबा नहीं बनाया है। फिर उसके बाद इसमें एक मोती डाल के एक लटकन लटका दिए मैंने। तो
इस तरीके से कि हमारा खाना जी का झूला बन के तैयार हो जाएगा। आप लोग देख सकते कितना सुंदर लग रहा है ये झूला। आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बनाना, और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए बने रहिए मेरे चैनल के साथ।